हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इफ द सीजियम इम्पेयर द इरिटेटेड विद द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड प्रोटो इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग को वर्क फंक्शन दिया हुआ है सीजियम का, ठीक है। तो वर्क फंक्शन डब्लू नोट से इसको दिखाते हैं, ठीक है। वो दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो हम लोग को पहला गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हम लोग को निकालना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर देखोगे फ्रॉम द एक्सप्रेशन, तो डब्ल्यू नोट इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय ई नोट लेमडा नोट। तो लेमडा नोट इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाय डब्ल्यू नोट। एच क्या है यहाँ पे, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। सी का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डब्ल्यू ओ का वैल्यू दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है किसमें, इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हुआ है। अगर इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, 1.9 × इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल से। तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा नोट का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये लैम्डा नोट का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 6.6.53 × 10⁻¹⁷ मीटर, ठीक है। और लैम्डा नोट का वैल्यू अगर निकालोगे, इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 653 × 10⁻⁹ मीटर, इसको लिख सकते हो 653 नैनोमीटर, ठीक है। ये लैम्डा नोट का वैल्यू निकल गया। अब ये लैम्डा नोट हमारा हमारा निकाल गया है। दूसरा बोला है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग को निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट इक्वल टू न्यू नोट इक्वल टू डब्ल्यू नोट बाय एच, ठीक है। तो डब्ल्यू नोट का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ये 1.9 × 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। तो जूल जूल कैंसल। यहाँ से अगर म्यू नोट का वैल्यू निकालोगे तो ये म्यू नोट का वैल्यू आ जाएगा 4.593 × 10⁻¹⁴ पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा दो चीज निकल गया। अब बोल रहा है इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरिटेटेड विद द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अब बोल रहा है वेवलेंथ जो दिया हुआ है, लेमडा जो दिया हुआ है, अगर 500 mm दे दिया गया है, लेमडा का वैल्यू अगर 500 mm दे दिया गया, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर हो गया। वेवलेंथ अगर इतना हो गया तो हम लोग को बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। क्योंकि के ई काइनेटिक एनर्जी के निकालने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो हो जाएगा एच इक्वल टू म्यू माइनस म्यू नोट, ठीक है। अब म्यू को जगह पे 1 बाय लेमडा अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नोट, ठीक है। तो यहाँ से ये एच 1 बाय लेमडा, लेमडा का वैल्यू सॉरी, अगर यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन गलत हो गया, ये एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सुधार करें। यहाँ पर ये है म्यू है। अब इसको हम लोग म्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी बाय लेमडा। म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं म्यू टू सी बाय लेमडा होता है, तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच सी भी दोनों में हो जाएगा, तो सी कॉमन हो जाएगा 1 बाय लेमडा, ठीक है, माइनस 1 बाय लेमडा नोट, ये हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट करो। एच जो है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ठीक है। सी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 1 बाय लेमडा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, 500 × 10⁻⁹ मीटर और माइनस 1 बाय, यहाँ लैम्डा नोट का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 650 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 9.3
3149 × 10^-20 जूल। तो हम लोग का जो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी हो गया, और वेलोसिटी वेलोसिटी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, के ई इक्वल्स टू क्या होता है, के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से निकालोगे तो भी का वैल्यू जो निकल जाएगा वो हो जाएगा 2 KE/m और रूट अंडर, ठीक है। तो यहाँ से अगर वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, वेलोसिटी अगर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 × KE का वैल्यू निकल चुका है 9.3149 × 10^-20 जूल/m। एम का वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 × 10^-31 kg। तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.52 × 10^5 m/s। तो ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।